एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव्स पे। सो हमने ऑलरेडी नैंड्रोलोन डेरिवेटिव्स, टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स और बाकी सारे बेसिक आपको समझा चुके हैं कि टेस्टोस्टेरोन या उसके डेरिवेटिव्स के साथ बेसिकली कुछ रिएक्शंस का रिस्क होता है। पहला रिएक्शन होता है एरोमेटाइजेशन, जिससे वो ईस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स दिखाते हैं, ईस्ट्रोजन में बन जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं ईस्ट्रोजन के जैसे कोई प्रोडक्ट में। और दूसरा होता है 5-अल्फा रिडक्शन, जिससे कि वो बेसिकली आपके डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जैसे बन जाते हैं। और अब हम डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को लेके उसके डेरिवेटिव्स बना रहे हैं, तो उसमें कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आज हम देखेंगे। और याद रखिए कि जो भी स्टीरॉयड ओरली एक्टिव नहीं होता है वो अंदर जाके आपके लिवर के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है, लिवर के अंदर, तो हेपेटिक ब्रेकडाउन भी होता है। तो यहां पर कुछ रिएक्शन से हेपेटिक ब्रेकडाउन भी रेजिस्ट हो जाता है, ओरली एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे स्टीरॉयड कौन से हैं डीएचटी से बने हुए, आज हम बात करेंगे। जी हाँ, ऑक्सेंड्रोलोन एक स्टीरॉयड है उसमें से, उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टानाजोल भी उसमें से एक ही स्टीरॉयड है, डीएचटी का ही डेरिवेटिव है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मेस्टेरोलोन की। मेस्टेरोलोन एक पोटेंट ओरली एक्टिव डेरिवेटिव है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का। ये मिथैलोलोन जैसा है, जो पहले हमने बात करी थी टेस्टोस्टेरोन के केस में। इसमें बेसिकली एक नॉन टॉक्सिक 1-मिथाइल ग्रुप डाला गया है। इससे क्या होता है, बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है आपको, केमिकल का टेंशन नहीं लेना है, केमिकल रिएक्शंस का। इसमें बेसिकली हेपेटिक ब्रेकडाउन कम है तो ओरली एक्टिव हो गया। इसमें बेसिकली ये ऑल्टरेशन, लेकिन इसकी जो स्टेबिलिटी है डज नॉट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस अल्फा कीटो ग्रुप, हाउएवर, तो देयरफॉर, राइट, देयरफॉर ये पुअर एनाबॉलिक माना जाता है इसके पेरेंट से। ना डीएचटी की जगह ये लेना कोई फायदा नहीं है, पुअर एनाबॉलिक है। वैसे ओरली एक्टिव है लेकिन एक पुअर एनाबॉलिक एक्टिविटी है, सो नॉट सो गुड। देन ड्रोस्टेनालोन, ड्रोस्टेनालोन सिंपली डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, उसमें ऐड किया गया है 2-मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप ऐड कर देने से क्या हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अल्फा कीटो ग्रुप की स्टेबिलिटी बढ़ जाने से ये एंड्रोजन बाइंडिंग बढ़ जाती है, तो इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो वो चाहिए, यानी कि आप किसी स्टीरॉयड की एक्टिविटी बढ़ा रहे हो, वेरी गुड। एज सच एक्टिविटी ऑफ दिस स्टीरॉयड इन द मसल टिश्यू इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्रेटली इंक्रीज, सो ड्रोस्टेनालोन इज स्टिल अ गुड स्टीरॉयड चॉइस एज कंपेयर टू अदर्स। फिर देर इज ऑक्सीमिथालोन, ऑक्सीमिथालोन भी एक ओरली एक्टिव डेरिवेटिव है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का। इसमें एक 17-मिथाइल ग्रुप है जो के बहुत ही ज्यादा स्टीरॉयड्स में डाला गया है। हाउएवर, 2-हाइड्रोक्सीमिथिलीन ग्रुप नहीं देखा जाता है किसी और स्टीरॉयड में, जो के वी हैव सीन हियर। वी डू नो दैट दिस ग्रुप ग्रेटली एनहांसेस द एनाबॉलिक पोटेंसी ऑफ दिस बाय इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ दिस 3-अल्फा कीटो ग्रुप। बेसिकली स्टीरॉयड उसके ब्रेकडाउन को रोकता है, तो फिर आपकी एक्टिविटी, आपकी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी, एनाबॉलिक एक्टिविटी, मसल बनाने वाली एक्टिविटी बढ़ जाती है ऑक्सीमिथालोन की। एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फिगरेशन, जो इसके जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं बाकी वाले, वो भी अलाउ करते हैं जो स्टीरॉयड है उसकी बाइंडिंग को, और वो लेकिन यहां पर ये देखा गया है कि ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पे भी एक्टिवेट होता है। तो यहां पर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स पे भी बाइंड होते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं होता, ऑक्सीमेथलोन नहीं होता। और तो डीएचटी का डेरिवेटिव है, ईस्ट्रोजन के साइड नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसका डेरिवेटिव, उसका जो उसके जो सब्स्टिट्यूएंट जाते हैं उसके, वो जरूर जाते हैं, राइट। सो यहां पर ईस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट थोड़े देखे गए हैं। देन कमिंग ऑन टू द थर्ड वन, स्टानाजोल। स्टानाजोल एक पोटेंट एनाबॉलिक स्टीरॉयड है, बहुत पोटेंट है, बिकॉज इसके अंदर एक पायराजोल ग्रुप है, 3-2-पायराजोल ग्रुप, जो क्रिएट करता है ऐसा स्टेबल कॉन्फिगरेशन, जो एक ए रिंग बनाता है। इससे क्या होगा, एंड्रोजन रिसेप्टर बाइंडिंग बहुत बढ़ जाएगी, धांसू तरीके की बढ़ जाएगी। और दिस स्टीरॉयड इज वन ऑफ द फ्यू दैट डज नॉट पोसेसेस एन एक्चुअल 3-कीटो ग्रुप, लेकिन इसमें ए रिंग है, और एज सच इट इज हाईली एक्टिव इन द मसल टिश्यू, वेरी वेरी हाईली एक्टिव। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से बना है, जी हाँ, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन मसल के अंदर उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन स्टानाजोल उतना एक्टिव है। सो स्टानाजोल इज अ पोटेंट एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स, हाईली एक्टिव इन द मसल टिश्यू, एंड इट इज स्टेबल ऑल्सो, वेरी स्टेबल एंड्रोजेनिक रिसेप्टर स्टेबल है। इसके आगे की जानकारी स्टानाजोल के बेसिक वीडियो पे आएगी, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट
हिंट्स दे रहे हैं हम आगे. थर्ड फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग है मिथेनोलोन. जी हाँ, मिथेनोलोन एक पोटेंट एनाबोलिक स्टीरॉयड है. इसमें भी हमने ऑलरेडी बात करी है, C12 ग्रुप डबल बॉन्ड है, स्टेबिलिटी देता है कीटो ग्रुप को, तो ज़्यादा अच्छे से बाइंड करता है. और वन मिथाइल ग्रुप जो इसमें है ओरल बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाता है, मतलब लिवर के थ्रू ब्रेकडाउन नहीं होता है इसका, ओरल एक्टिविटी बढ़ जाती है. लेकिन यहाँ पर याद रखिए हिपैटिक रेजिस्टेंस तो है ही, साथ में एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड स्टीरॉयड. बेसिकली ओरली एक्टिव एंड गुड मिथेनोलोन. मिथेनोलोन इज गुड. एंड देन ऑक्सेंड्रोलोन. ऑक्सेंड्रोलोन भी एक ओरली एक्टिव डेरिवेटिव है डीएचटी का. इसमें 17 मिथेलेशन ग्रुप है. यहां पर डीएचटी से ये इसलिए अलग है बिकॉज इसके अंदर इट्स सब्स्टिट्यूशन हो रहा है टू कार्बन मॉलिक्यूल्स का विथ ऑक्सीजन, राइट. इसीलिए इसको ऑक्सेंड्रोलोन बोलते हैं. और दिस इज द ओनली कमर्शियल स्टीरॉयड टू कैरी दिस ग्रुप, ऑक्सीजन लगा हुआ ग्रुप. एंड उसके ऊपर द ओनली वन टू हैव दिस हैव अ मॉडिफिकेशन टू द बेस कार्बन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टीरॉयड न्यूक्लियस. तो ये मतलब बेसिकली केमिकल पार्ट है, तो अकेला उस हद तक चेंज किया गया स्टीरॉयड है ये. और इसमें दो XO ग्रुप है, OXO ग्रुप, जिससे के इतना इंक्रीज हो जाता है रेजिस्टेंस अल्फा कीटो ग्रुप का कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है कि ये बहुत ही पोटेंट स्टीरॉयड है. तो क्योंकि वो डिग्रेडेट ही नहीं होता है तो इसका पोटेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है. सो देख रहे हैं आप कैसे कैसे पोटेंसी बढ़ती है एक एक रिएक्शन डाल के. सो ऑक्सेंड्रोलोन पोटेंट है, स्टानाजोल पोटेंट है, मिथेनोलोन पोटेंट है, ऑक्सीमिथेनोन पोटेंट है, ड्रोस्टेनोलोन पोटेंट है, लेकिन मेस्टेरोलोन नहीं है पोटेंट. सो ये डीएचटी के डेरिवेटिव्स हुए. याद रखिए हमने ऑलरेडी ट्रेनबोलोन के बारे में, इथाइल एस्ट्रोनोल के बारे में, और नॉल इथाइंड्रोलोन के बारे में, इथाइंड्रोनोल के बारे में लास्ट वीडियो में, नैंड्रोलोन वाले वीडियो में बात करी है. और टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स जैसे फ्लुऑक्सीमेस्टेरोन, मिथाइल एंड्रोस्टेनोलोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन और बोल्डेनोन के बारे में, टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स पे बात करी है. सो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ी जानकारी जरूर जाके इनका बेसिक, इनके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, वीक कैरेक्टर्स को समझिए, ताकि आगे जब हम एक्चुअल बेसलाइन स्टीरॉइड्स की बात करेंगे जो आज मिल रहे हैं आपको, तो आप और अच्छे से समझ पाए कि क्या हो रहा है दुनिया में. अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर सो मच. मोटी मोटी बात समझनी है कि ईस्ट्रोजन क्या में कन्वर्जन क्या होता है, और डीएचटी में कन्वर्जन क्या होता है, एरोमेटाइजेशन क्या है, 5-अल्फा रिडक्शन क्या है, हिपैटिक ब्रेकडाउन यानी लिवर में ब्रेकडाउन क्या है, ओरली एक्टिव क्या है, राइट, और उसकी हाफ लाइफ क्या है, उसका एंड्रोजन बाइंडिंग एक्टिविटी क्या है. ये सब पॉइंट्स अगर आप समझेंगे तो हर स्टीरॉयड को कंपेयर कर पाएंगे कि भाई मुझे जो चाहिए वहाँ पर ईस्ट्रोजन एक्टिविटी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ईस्ट्रोजन एक्टिविटी से ग्रोथ ज़्यादा होती है. वी ऑलरेडी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन आर प्रीवियस वीडियो. मेक श्योर टू वॉच ईच एंड एवरी क्लास टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. और याद रखिएगा जैसे स्कूल में होता है हर एक क्लास नहीं समझ आती, तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि हर एक रिएक्शन आपको समझ आए, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट दैट इन योर माइंड. कई बार आगे चल के वो रिएक्शन, वो चीज़ कंबाइन होके समझ में आ जाए, ओके ऐसा था. सो दैट्स वाई यू कैन डू इट. सो मेक श्योर टू वॉच इट अगेन एंड अगेन अगर कोई भी इशू हो, और लेट मी नो इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.